आज मेरे जन्मदिवस के अवसर पर आप सब ने जो शुभकामनाएं दी हैं, जो स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज दुखद संयोग है, आज शीतकालीन सत्र का भी प्रारंभ हो रहा है, मेरा जन्मदिन भी है, और आज के दिन हमें सभी साथियों के निधन का उल्लेख भी करना है। ऐसे अवसर पर जरा वन विचलित हो जाता है मन, और मैं समझता हूँ आप सब जानते हैं कि जन्म से मृत्यु तक का सफर ही हम सबका जीवन है, और जीवन में सुखद और दुखद अनुभूतियों का मिश्रण है, और जीवन की इस नश्वरता को हमारे कबीर साहब ने कहा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा जस तारा प्रभात। हमारे सभापति रहे, विधायक और सांसद रहे भाई देवव्रत का असमयिक निधन हम सबके लिए अत्यंत दुख और हृदय विदारक है। कुछ भूतपूर्व सदस्यों को भी हमें संवेदना प्रकट करनी है, और CDS विपिन रावत जी का निधन, उनके साथियों का निधन भी बहुत हृदय विदारक के साथ ही साथ हम सब देश के लिए चिंता का विषय है। परंतु आज सत्र के प्रथम दिवस और स्थापित जो परंपरा है उसके अनुसार सभी दिवंगतों को हमें श्रद्धांजलि देना है। एक शब्द के साथ जो कबीर साहब ने कहा है, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छाड़ी छाड़ी सब जात हैं देह गेह धन राज। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के पंचम विधानसभा के सदस्य एवं लोकसभा के पूर्व सदस्य देवव्रत सिंह का निधन 4 नवंबर 2021 को लोकसभा में पूर्व सदस्य विभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सदस्य गोदिल प्रसाद अनुरागी जी का 19 सितंबर 2021 को, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शिलपार भाटिया का 19 सितंबर 2021 को, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संसदीय सचिव उद्यवीर सिंह जुदेव का निधन 20 सितंबर 2021 को, अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री मूलचंद खंडेलवाल का निधन 15 अक्टूबर 2021 को, अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री मनकुराम जी का निधन 2 नवंबर को, तथा 8 दिसंबर को 2021 को तमिलनाडु के कुनूर के समीप वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी, उनकी पत्नी एवं अन्य सैन्य अधिकारी और जवानों का निधन हो गया है। श्री देवव्रत सिंह का जन्म 3 जून 1969 को गुजरात के जामनगर में हुआ। वे 1995 से 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर खैरगढ़ विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन उपरांत प्रथम विधानसभा सदस्य रहे। इसके पश्चात 2003 में पुनः छत्तीसगढ़ के द्वितीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2003 में ही राजनांदगांव लोकसभा से सांसद चुने गए। लोकसभा सांसद के पद पर निर्वाचित होने पर उन्हें विधानसभा अपनी सदस्यता त्याग पत्र दिया, तथा छत्तीसगढ़ के वर्तमान पंचम विधानसभा के चौथी बार वर्ष 2018 में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के उन्हें
चुना गया। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सभापति एवं सदस्य भी रहे। उन्होंने सभापति तालिका के रूप में सभा की कार्यवाही के सुचारू रूप का संचालन में सहयोग दिया। वे बहुत ही सहज सरल सौम्य स्वभाव के थे। उनकी खेल कृषि एवं संगीत में विशेष अभिरुचि थी। उनका दीर्घकालीन राजनीतिक जीवन अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित रहा। उनके निधन से प्रदेश ने एक सहज सरल युवा अनुभवी राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है। गोदिल प्रसाद जी अनमार्गी का जन्म 1 नवंबर 1931 को हुआ था। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर मसूरी निर्वाचन क्षेत्र से 67 में अविजादित विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टिकट पर बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आपकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी। उनका दीर्घकालीन जीवन राजनीतिक जीवन अपने क्षेत्र के विकास एवं उन्नति के लिए समर्पित रहा। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है। राजेंद्र पाल सिंह जी भाटिया का जन्म 25 अक्टूबर 1949 को नई दिल्ली में हुआ। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे प्रारंभ से ही राजनीतिक कार्यों में सक्रिय थे। 93-98 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खुज्जी विधानसभा के सदस्य रहे। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के उपरांत छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे। 2003 में द्वितीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और वाणिज्य उद्योग सार्वजनिक उपक्रम ग्रामोद्योग एवं परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दायित्व संभाला। उनकी समाज सेवा में विशेष रुचि थी। वे जन कल्याणकारी कार्यों तथा समाज सेवा के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता को खो दिया है। श्री युद्धवीर सिंह जी का जन्म 1 मार्च 1982 को जसपुर में हुआ। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे सन 2008 एवं 2013 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर से विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने संसदीय जीवन का दायित्व बखूबी निभाया। जुदेव जी अत्यंत सहल एवं सरल व्यवहार के राजनेता थे। समाज कल्याण के साथ साथ उनकी निशानेबाजी घुड़सवारी तीरंदाजी तैराकी में भी विशेष रुचि थी। उनका राजनीतिक जीवन पूरे क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहा। उनके निधन से प्रदेश ने एक युवा राजनेता एवं समाजसेवी को खो दिया है। श्री मूलचंद जी खंडेलवाल 25 सितंबर 1937 को बिलासपुर में जन्म हुआ। वे सन 90 में भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर से सदस्य चुने गए और उन्होंने मध्य प्रदेश शासन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री का दायित्व संभाला। उनका दीर्घकालीन राजनीतिक जीवन जनसेवा एवं अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव समर्पित रहा। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है। श्री मन्नूराम जी कर्स 15 जून 1957 को बस्तर में बड़े आरापुर में हुआ। उनका व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि था। वे छात्र जीवन से सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थे। वे सन 93 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर केसलूर से निर्वाचित हुए। उनकी जन कल्याणकारी कार्यों एवं समाज सेवा के नाम से वे जाने जाते रहेंगे। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता और समाजसेवी को खो दिया है। यह सदन दिनांक 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के समीप वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत एवं उनकी धर्मपत्नी एवं सेना के अधिकारियों एवं जवानों की असामयिक मृत्यु का पर गहन शोक व्यक्त करता है। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें एवं उनके परिवारजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी
खैरागढ़ राज परिवार